विवेकी मोनू सैनी स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज हम पहुंच चुके हैं जनपद शामली के, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। कार्यालय में जो कि यहाँ पे हर मासिक एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर समाजवादी के मौजूद है, चाहे जिले की हो या फिर जो है नगर की हो, सभी कार्यकर्ता लोग मौजूद है। अब हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो अभी बीजेपी ने कल किसानों को बजट की बात हुई थी वो कितने फायदेमंद है, कितना किसानों को फायदा मिलने वाला है और कितना नहीं। इसी बीच में बात करेंगे, 2019 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक लग चुका है और चुनाव की सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज हो चुकी है। तो तमाम अभी हमारे साथ में जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि समाजवादी के जिला अध्यक्ष हैं, और उसके साथ में जो प्रदेश सचिव अभी बने हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो तमाम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका ब्रेक प्लस। थैंक यू। जैसे कि अभी कल बीजेपी ने बजट पास किया है, उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं आप, कितना फ़ायदा मिलने वाला है किसानों को, जो कि बीजेपी किसानों के हितों की बात करती है? देखो, किसान यहाँ गन्ने का किसान है, और सबसे पहले जब सरकार बनी, सेंटर में बनी चाहे स्टेट में बनी, सभी ने आश्वस्त किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। अब इन्होंने 6,000 रुपये का जो इंसेंटिव दिया है एक साल के लिए, उससे किसान का क्या होने वाला है? खर्चे इतने बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, और खाद पे दाम बढ़ गए, जो यंत्र हैं उन पे काफ़ी कीमतें बढ़ गई। 6,000 रुपये 17 रुपये रोजाना से क्या भला होने वाला है? हम तो ये चाहते थे ये ना दे के अगर किसान का समय पे भुगतान भी कर देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, जो बीजेपी तमाम विकास की बात करती है कि विकास कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, विकास में आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, शिक्षा है, इंसान का स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है। हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया पिछले 4.5 वर्षों में, खासकर शामली ज़िला और मुजफ्फरनगर ज़िला में, कि बहुत ज़्यादा कहीं सुधार हुआ हो, और किसान तो काफ़ी त्रस्त है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपसे, अभी उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में जो है बीजेपी ने जो है नूरपुर विधानसभा भी हार की देखनी पड़ी है, और क्या लोकसभा से भी काफ़ी हार देखने के लिए मिली है। तो अब जैसे कि 19 का चुनाव काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहा है, तो उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, यह सरकार, इसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो वादे करके ये आए थे कि हम 15 लाख रुपए गरीब जनता के खाते में डलवाएंगे, किसानों का समय पर भुगतान कराएंगे, फसलों का 1.5 गुना देंगे, सड़कें व्यवस्थित की जाएंगी, आप देख ही रहे हो सड़कों की क्या हालत है। शिक्षा में मुझे तो कोई सुधार ऐसा नज़र नहीं आया कि भाई कोई डिग्री कॉलेज या कोई इंटर कॉलेज इस तरह के नए खुले हों। सरकार के यही काम होते हैं, ऐसा कुछ इस ज़िले में नज़र नहीं आया। इसलिए उपचुनाव ये पहली बार आ रहे हैं, और अब भी उम्मीद है कि अगला चुनाव भी बीजेपी यहाँ हारेगी। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ में विजय कौशिक जी भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ से नगर पालिका से चुनाव भी लड़ा है उन्होंने, बीजेपी के समाजवादी के उससे चुनाव लड़ा है। तो विजय कौशिक जी, क्या लगता है आपकी बार, क्या देख रहे हैं? गठबंधन तमाम बातें सब एक जगह आ गई है और बीजेपी एक तरफ है, क्या लगता है आपको? हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, और भाजपा हमारे इस गठबंधन से बहुत भयभीत है। भाजपा जान चुकी है कि महागठबंधन उन पर भारी पड़ेगा, महागठबंधन की जीत निश्चित है। महागठबंधन की जीत निश्चित है। अगर विकास की बात करें तो बीजेपी तमाम विकास की बात करती है? बीजेपी केवल विकास की बात करती है, विकास नहीं करती है, झूठे वादे करती है, कहीं कोई क्षेत्र में कोई काम किसी का नहीं करती, केवल झूठे वादे करती है, जनता को चाहिए काम। अच्छा, तमाम बातें कही जा रही है कि अभी बीजेपी ने 10% स्वर्णों को आरक्षण दे दिया, आरक्षण के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आरक्षण ये तो दिखावा क्या है, इन्होंने दिखावा कहाँ दे रहे हैं? क्या जातिवाद लगता है कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है? तमाम आरोप लगते आए हैं। बिल्कुल, जातिवाद की राजनीति शुरू से करती आ रही है। इन्होंने तो सिर्फ बांटने का काम किया लोगों को, और कुछ नहीं किया, ना विकास किया, विनाश किया। और ये तो मजाक उड़ाई, 17 रुपये में आप भी देख लो, चाय भी नहीं पी सकते दो आदमी। ये कह रहे कि किसान का परिवार पूरा खा लेगा एक दिन में, कैसे खा लेगा 17 रुपये में? तो बिल्कुल ही हर तरह से बीजेपी फेल हो गई, और इस बार महागठबंधन की एक महाजीत हो, ये लहर ये सब लोग देख रहे सुन रहे किसान। अभी 19 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है चुनाव की क्या तैयारी आप लोगों की? हमारी तैयारी सारे जाति को सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलने की तैयारी है। महागठबंधन इसी रूप में बना है, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, छोटी छोटी सभी पार्टी एक साथ आके हैं। भाजपा रूपी जो किसानों विरोधी, मजदूर विरोधी, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, अस्पतालों में भी सही दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर बाहर की दवाई लिख रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, शिक्षा में आप देख लो। 19 को लेके क्या योजना है, किस आधार पर आप यहाँ पर जीत हासिल की सोच रहे हैं? देखिए, अगर सत्ता में कोई भी सरकार आती है जो वादे करती है, पहला काम यह है कि उन वादों को पूरा करें। जनता सरकार की तरफ को देखती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी, यहाँ संगठन हमारा बहुत मजबूत है, गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा उसे हम भारी मतों से जिताएंगे, और वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, मुझे उम्मीद है।
तो ये थे हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद थे, जिला अध्यक्ष और तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद थे। अभी हमने बात की और जाना कि क्या स्थिति है, 19 को लेके बात की और बजट के बारे में बात की, तमाम बातें इन्होंने आपको बताई। मैं हरिमोहन शर्मा के साथ में मोनू सैनी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल